राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापा कुंशा है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। प्रातःकालीन समय में जल्दी उठें, स्नान आदि कार्य करके फिर भगवान विष्णु की रोली मोली गुड़ चावल धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने से ही मिल जाता है। जो मनुष्य शंख और चक्रधारी विष्णु भगवान की शरण में जाता है, उसे यम यातना नहीं मिलती। जो पापी मनुष्य अनायासी इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। एकादशी के समान विश्व में ऐसी पवित्र तिथि और नहीं है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य मिलता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि को जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि गो अन्न जल वस्त्र छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते। दरिद्री मनुष्यों को यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही पैदा करने चाहिए। जो मनुष्य तालाब बगीचा धर्मशाला प्याऊ अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें जीवन में कभी कष्ट नहीं मिलते। वे मनुष्य इस लोक में स्वस्थ दीर्घ आयु वाले होते हैं तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। आइए सुनते हैं इसकी कथा। विंध्याचल पर्वत पर एक बहेलिया रहता था, उसका नाम क्रोधन था। अपने नाम के अनुरूप ही वह बहुत ही क्रोधी वह क्रूर था। उसने हिंसा लूटपाट शराब जुआ व इसी प्रकार के अशुद्ध आचरणों द्वारा बहुत सा पाप अर्जित किया, किंतु संयोग से जीवन की अंतिम वेला में उसका ज्ञान उदय हो गया। वह अपने पापों की निवृत्ति के लिए अंगिरा ऋषि के पास गया और उन्हें सब बात बताकर अपने पापों से छूटने का उपाय पूछा। वह बहेलिया कातर स्वर में ऋषि अंगिरा से उन्हें विनय करने लगा। तब ऋषि ने उसे पापा कुंशा एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करके विष्णु पूजन करने को कहा। ऋषि अंगिरा की बताई विधि से व्रत पूजन और रात्रि जागरण से व्याघ्र को पापों से छुटकारा प्राप्त होकर विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। इस व्रत को श्रद्धा व भक्ति से करने से जाने या अनजाने में किए गए पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। इसलिए एकादशी का व्रत करिए, भगवान विष्णु की पूजा करिए, एक दिन अनाज छोड़ दीजिए, क्योंकि एकादशी के व्रत में अनाज नहीं खाना चाहिए। फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही व्रत उपवास की कहानी की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।